हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने 10th चैप्टर में पैटर्न्स पढ़े थे, तो आज हम 10.2 एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि एक अलग पैटर्न है। इसमें हम टावर्स देखेंगे। टावर्स मींस, अब जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ऐसे बॉक्स बना है, इसके ऊपर फिर से बॉक्स, इसके ऊपर बॉक्स, तो ये एक तरह से टावर बने हुए हैं, ऊपर से ऊपर बने हुए हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे नंबर्स जो है इनका सिस्टम होता है टावर्स में। तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि हम इसमें ऐड करके भी नंबर लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई करके भी। कैसे? देखिए, हमें लोअर स्टेप देखना है, सबसे नीचे का स्टेप देखना है कि हमारे नीचे के जो स्टेप हैं उसमें कैसे कर रखा है। तो देखिए, सबसे पहले हम जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये हमें दे रखा है 28, 15, 13, 7, 8, 5। तो हमें कैसे देखना है कि ये कैसे आए नंबर, तो हम देखेंगे। देखिए, जैसे कि ये नंबर हैं दोनों, 7 और 8 को हम ऐड करते हैं तो 15 बनता है। तो यहाँ पे इसका एक पेयर बना के इसको लिख रखा है 15। देखिए, इन दो बॉक्सेस का एक पेयर बना, यहाँ पे 15, 7 और 8 होते हैं हमारे 15, इनको ऐड कर दिया हमने। फिर देखिए, 8 और 5 को अगर ऐड करते हैं तो 13 बनता है, तो इनका एक पेयर बना के यहाँ पे लिख दिया। देखिए, 2 बॉक्सेस के बीच में एक पेयर बना दिया, 8 और 5 ऐड किए तो 13, 7, 8 ऐड किए तो यहाँ पर लिख दिया हमने 15। फिर देखिए, इन दोनों को अगर ऐड करें तो 28 आता है, तो इसका इनको ऐड करके एक पेयर बना के ऊपर लिख दिया। तो ये होता है हमारा टावर बनाना। तो इसमें हम टावर देखेंगे कैसे बनाए। हमने लोअर स्टेप से हम हेल्प करके ऊपर का जो अपर स्टेप है वो करेंगे हम। देखिए, जैसे कि इसमें भी हमें देर का 5 और 2 ऐड किए तो 7 बन गया, यहाँ पे लिखा 2 और 3 अगर ऐड करते हैं तो 5 बन जाता है। देखिए, 2 को ऐड करके यहाँ पर हमने लिखना है, या तो इसमें ऐड कर सकते हैं या इसमें मल्टीप्लाई भी हो सकती है। ठीक है, जैसे ये ऐड वाला है, तो देखिए 7 और 5 को ऐड किया तो यहाँ पे हमारा बन गया 12। तो ये तो था एडिशन वाला। फिर देखिए, हमारे पास अब ये देखिए, हम नीचे से हम स्टेप देखेंगे तो ये देखिए 5 और 2। अब 5 और 2 अगर हम ऐड करें तो 7 होता है, बट यहाँ पे 10 है। 10 कैसे आएगा? 5 2 20 होता है, मतलब ये मल्टीप्लाई किया है। 5 2 20 5 2 10 10 होता है, तो यहाँ पर 10 लिख दिया हमने। फिर 2 और 3 की मल्टीप्लाई करें, 2 3 जा, इनको हमने अगर मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 जा 6। फिर देखिए, अगर यहाँ पे अब दोनों आए, ऊपर हमने ऐड किया था, यहाँ पे हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 6 जा 60, तो इसकी मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। नेक्स्ट, जैसे हमारा 8 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 8 1 जा 8 होता है तो यहाँ पे 8 आया। फिर 1 5 जा 5, फिर 8 5 जा 40। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई वाला टावर है और ये प्लस वाला। जैसे कि अब हमें सम में देखा है, तो हमने लुक द पैटर्न एंड कम्प्लीट द नंबर टर्म। तो हमें पैटर्न देखना और नंबर टर्म करनी है कम्प्लीट। देखिए, अब जैसे कि आपको यहाँ पे ये नंबर देर के नीचे वाले यहाँ पे आपने फिल करने हैं, तो ये हम मैंने कैसे फिल किए हम ये देखते हैं। देखिए, 2 और 1 कितने होते हैं? वैसे तो 2 और 1 अगर हम ऐड करें 3 होते हैं, बट यहाँ पे 3 नहीं देर का है, यहाँ पर 2 देर का है, तो ये इट मीन्स ये प्लस नहीं कर रखा, ये मल्टीप्लाई करके 1 2 जा 2 होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको लिखा। तो इसी तरह से हम इसका लिख देंगे 2 1 2 जा को, तो 2 यहाँ लिख दिया, पर 2 3 जा 6 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 2 3 जा 6। फिर अगर हमने नीचे मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, 2 6 जा 12, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 12। अब ये देखिए 3 4 5, अब यहाँ पर 9 देर का, 9 कैसे आएगा? आप देखिए, इसका अगर हम इन दोनों को ऐड या मल्टीप्लाई करें तभी यहाँ पे नंबर आएगा। 5 और 4 9 होते हैं, ऐड किए तभी 9 आए, तो हम यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे इसको, 5 और 4 9, 3 और 4 7, फिर 7 और 9 16, यहाँ पे हम ऐड करके लिखेंगे। नेक्स्ट सम में भी इसमें ऐड करके 6 5 11 होते हैं। देखिए, अगर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 6 5 जा 30 होते हैं, बट यहाँ 30 नहीं है, 11 है, इट मीन्स इसको ऐड कर रखा है। फिर हम इसको ऐड करेंगे, 5 और 1 6 6 और 11 17। नेक्स्ट है हमारा, देखिए 4 5 जा 20 होता है, तो 20 यहाँ लिख रखा है, इट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 0 है तो ऐड हो जाएंगी इसमें। फिर देखिए, 1 5 जा 1 और 5 6 होते हैं वैसे ऐड करें, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दे रखा है 1 5 जा 5, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, 4 1 जा 4, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 5 जा 20। फिर नेक्स्ट देखिए, 6 8 और 8 2, अब 8 और 2 10 होते हैं, जोड़े अगर हम इनको ऐड करें तो 8 और 2 10 होते हैं, अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 2 जो 16 आएगा, बट यहाँ पे 10 दे रखा है, मतलब इनको जोड़ रखा है, 8 और 2 हमारे 10 हो गए। इसी तरह यहाँ से 8 और 6 हमारे 14 हो जाएंगे। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिशन की हमारी जो टर्म बन रही है, तो फिर इनको ऐड किया तो 24 आ गया। तो इस तरह आपने इसका बुक वर्क ये कम्प्लीट करना है बुक में,
ओके स्टूडेंट, आई होप ये आपको जो नंबर टावर है ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसमें हमें पैटर्न लोअर जो टर्म है लोअर स्टेप से देखनी है कि हमें मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है। अगर हमें एक स्टेप दे रखा है वो मल्टीप्लाई करके दे रखा है तो हम सारा मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें ऐड करने का स्टेप दे रखा है तो हम ऐड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।